गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी आपको बोलना चाहता हूँ। सुगुरु नाम का एक लड़का था, वो क्लास सिक्स में पढ़ रहा था। तब क्या हुआ, जिस दिन उसका रिजल्ट निकला, वो आके घर में बोला कि पापा मेरा 340 मार्क आया है। ओके, और फुल मार्क था 600 मार्क। उसके पापा बोले, अच्छा बेटा एक काम करो, तुम मुझे उसका परसेंटेज निकाल के दिखाओ कि तुम कितना परसेंटेज मार्क रखा है। तो सुकुडू ने सोच में पड़ गया, बोला कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ओके, तो उसके पापा उसको बोले, देखो बेटा तुम्हारा कितना मार्क रखा है। ना पापा मैं 340 मार्क रखा हूँ। पापा फिर पूछे कि तुम्हारे पास तुम्हारा टोटल मार्क कितना है, बोले 600। ना जब हम परसेंटेज निकालते हैं तब हम देखते हैं क्या, ना टोटल कितना, ना 360 मार्क वो सिक्योर किया था, टोटल मार्क था कितना, ना 600 था। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना है, इनटू 100 परसेंटेज। जो भी आंसर निकलेगा सुकुटु का इतना ही परसेंटेज था। समझ में आया? आज जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं डिटो वही चीज है, वहां पे कोई भी और चेंजेस नहीं है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, अभी हमको यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे हमको देखना है कि एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन बाय मास टू मास परसेंटेज। मैंने बताया कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं मास टू मास। यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ क्या कह रहा है, अगर आप डेफिनेशन को यहाँ पे समझेंगे, डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, डेफिनेशन कहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट ए इंटरेस्टिंग बात। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ। ये फिगर क्या होगा आपका, मान लीजिए मैं यहाँ से एक फिगर बना रहा हूँ। ओके, फिगर यहीं पे मैं बना रहा हूँ। मैं एक बीकर लिया। ओके, ये बीकर में मैं कुछ सॉल्यूशन रखा, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया। इसमें मैं क्या लिया, बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या है ना, बाइनरी सॉल्यूशन है। ओके, मैं इस बीकर में बाइनरी सॉल्यूशन लिया। ओके, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है वहां पे सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, सिंपल सी बात है। सो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, अभी ये कह रहा है मास टू मास परसेंटेज क्या है, मास टू मास परसेंटेज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये जो मेरा सॉल्यूशन है यहां पे कितना अमाउंट का सॉल्यूट है, उसी को हम निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज। इसको जनरली हम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखते हैं, या कुछ कुछ ऑथर इसको एम बाय एम भी परसेंटेज लिखते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल में, मैक्सिमम इंडस्ट्री में डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ही लिखा रहता है, वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए मैं, आप लोग जैसे हमको बोले थे कि सर हम लोग को नोट्स भी चाहिए, तो मैं सारा चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिखिए इसको कैसे निकालेंगे। लेट टेक ए बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, लेट टेक ए बाइनरी सॉल्यूशन। ओके ओके, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। ओके, हो यार डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट, क्या होगा, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अच्छा, तो टोटल
वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल वेट मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो टोटल सॉल्यूशन का वो वेट बनेगा, यस और नॉट? सो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी क्या बनेगा ना, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट, बा वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हैं, टोटल वेट ऑफ सॉरी सॉल्यूशन। यहां तक समझ सबको समझ में आया, ये आपका बना, यस आर नॉट? सो हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। सो हम लोग मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे ना, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा यहां पे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट, मैं लिख देता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अच्छा मुझे बताइए वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना निकला है मेरा ना, वेट ऑफ द सॉल्यूट मेरा डब्ल्यू ए है, सो कैन आई राइट हियर डब्ल्यू ए बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, और टोटल वेट मेरा कितना निकला है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। जब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा इनटू 100, इसको ब्रैकेट में यहां पे हम क्या देंगे परसेंटेज का सिंबल, एंड दैट इज द मास परसेंटेज का फॉर्मूला, ओके। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूट में, बस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। देखिए ये चीज को हमको 100 ग्राम लेना है, हमको 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट है, ओके। मान लीजिए आपको, आप लिख लिए, मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोल रहा है, इसका मतलब 10 ग्राम NaCl होगा वहां पे, और मैं तुम्हें जैसे बताया यहां पे हमको 100 ग्राम लेना है, तो 10 ग्राम अगर NaCl चला जाएगा तो वाटर कितना रहेगा ना, 90 ग्राम वाटर रहेगा यहां पे। सिमिलरली अगर कोई आपको पूछ रहा है, बोल रहा है 30% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू अल्कोहल, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बोल सकता है, यस 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल और 70 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, मास टू मास परसेंटेज कैसे हम लोग निकालते हैं, ओके। सिंपल, जैसे हम सिक्स क्लास में क्या किए हैं, परसेंटेज निकाले हैं, उस तरह ही हमको करना है, उसमें ज्यादा कुछ झोलझाल नहीं, ओके। इसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे, तीन ठो प्रॉब्लम करते हैं, ओके। अभी यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहां पे दिया है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ओके 200 ग्राम ऑफ वाटर। मैं देख लेता हूं फिगर, मैं थोड़ा सा फिगर यहां पे बना देता हूं। यहां पे हम क्या लिए हैं ना, 200 ml का वाटर लिए हैं, प्लस ग्लूकोज कितना लिए 200 ग्राम लिए, ग्लूकोज कितना लिए हैं 20 ग्राम लिए हैं। सो टोटल टोटल वेट कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, टोटल वेट हो जाएगा 200 प्लस 20,
इज इक्वल टू 220 ग्राम, ये सॉल्यूशन का वेट बनेगा। सो हमको कैसे इसको लिखना है एग्जाम में जैसे हम लोग को मार्क आएगा। ओके अच्छा, यहाँ पे गिवन डाटा क्या दिया है, गिवन डाटा ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, डब्ल्यू ए कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। ओके और क्या दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, डब्ल्यू बी, ये दे दिया 200 ग्राम दिया है, यस और नॉट। ओके सो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू, यस और नॉट, यही होगा। सो हमको ग्लूकोज का मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज यहां पे क्या लिखना है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला में क्या बताया था ना, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 देन परसेंटेज। ओके सो डब्ल्यू ए कितना है मेरे पास, 20 है, मैं लिख दिया 20 बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी 220 होगा, जो मैंने ऑलरेडी यहां पे आपको बता दिया था, यहां पे हम लिख देते हैं 220 ग्राम। सो कैन आई राइट 220 ग्राम इंटू 100 परसेंटेज। ओके सबको समझ में आ रहा है ये बात। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 11, 11 को अगर इसमें कैंसिल करेंगे 9.09%। सो ये क्या हुआ, ग्लूकोज का परसेंटेज निकला। ओके ये चीज समझ में आया आपको, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन व्हाट गिवन, यहां पे क्वेश्चन दिया है, एक सलाइन सॉल्यूशन है हमारे पास, और उसका ये जो सॉल्यूशन का टोटल वेट दे दिया है, टोटल वेट दे दिया है 355 ग्राम, जहां पे NaCl डीजल हुआ है 36.5 ग्राम, तो हमको उसका मास परसेंटेज निकालना है। ओके सो यहां पे गिवन डाटा क्या दिया है, देखिए यहां पे गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या दिया है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा ना, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 36.5 ग्राम। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ना, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये टोटल कितना हो जाएगा ना, 355 ग्राम। ओके अभी हमको मास परसेंटेज निकालना है, सो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का क्या मैं फॉर्मूला बताया ना, डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 होल परसेंटेज। सो डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे
36.5 बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी का कितना है 355 इंटू 100 और इसका परसेंटेज। ओके सो यहाँ पे वो कितना आएगा बताइए, कौन बोल सकता है यहाँ पर वो कितना आएगा? यस, यहाँ पे अगर हम इसको काट देंगे तो ये आएगा 10. मैं पहले से इसको निकाल दिया हूँ और इसको जो सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.3. मैं इसको पहले से निकाल दिया हूँ। ओके सो 10.3% निकलेगा, इजीली उसको समझ में आ रहा है। ओके अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है एक सिरप है, ये सिरप कितना ग्राम है ना, सिरप में 250 ग्राम सुक्रोज डीजल हुआ है 150 ग्राम ऑफ वाटर में। बहुत इंटरेस्टिंग कहा, क्या हुआ है, सुक्रोज दे दिया 250 ग्राम और वाटर दे दिया 150 ग्राम और हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। सिमिलरली इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था डिटो वैसा ही होगा, मैं लिख देता हूँ गिवेन डाटा। सो यहाँ पर गिवेन डाटा क्या है, वेट ऑफ सुक्रोज, वेट ऑफ सुक्रोज डब्ल्यू ए इक्वल टू 250 ग्राम, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू बी 150 ग्राम। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ना, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा 250 प्लस 150 ग्राम इक्वल्स टू 400 ग्राम। ओके सो हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। सो मास परसेंटेज क्या है ना, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100 का 100%। सो डब्ल्यू ए कितना निकला, 250 बाई टोटल वेट डब्ल्यू ए प्लस बी 400 इंटू 100 का परसेंटेज, और इसका क्या आएगा मैं देख लेता हूँ, इसको निकाल दिया हूँ, ये आएगा 62.5%। ये क्या आएगा, 62.5%। ओके आपको समझ में आया? ओके सो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, आप लोग को मास टू मास परसेंटेज कैसे निकालना है और कैसे तुम लोग मास टू मास परसेंटेज में कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करोगे, ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं आपके पास उसका सल्यूशन पहुँचा दूँ। ओके थैंक यू।